खेल से बढ़ के भी जिंदगी होनी चाहिए, आपकी अपनी फैमिली होनी चाहिए। मुझे एक बेहतर इंसान और बेहतर क्रिकेटर की शादी है, अच्छी दोस्ती थी, पेशावर बेस्ड है, मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी, मुलाकात भी लाहौर में हुई थी। नई जिंदगी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपने ट्रायल्स तो बहुत दिए होंगे, हेलमेट भी बहुत पहना, लेकिन शेरवानी के ट्रायल देने कब जा रहे हैं और कुल्ला कब पहनेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल होता है? आई थिंक मैंने ये काफ़ी डिबेट के बाद ये डिसाइड किया कुल्ला पहनना नहीं है, ट्रायल्स वगैरह सारे दे दिए। देखें, आई थिंक न्यू चैप्टर है लाइफ का, थोड़ी सी अब समझ आई है कि आई थिंक ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, खेल से बढ़ के भी ज़िंदगी होनी चाहिए, आपकी अपनी फैमिली होनी चाहिए। तो आई थिंक 35 साल की उम्र में जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। लेकिन देखें, हर किसी की डिफरेंट स्टोरी होती है, डिफरेंट टाइम होता है, बट आई थिंक बहुत एक्साइटिंग टाइम है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में। लास्ट ईयर जब मेरी सिस्टर गई थी, उसके बाद मतलब थोड़ी सी हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हुई थी। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब एक खुशी का मौका आया है, एक फैमिली में नई एडिशन आई है, और होपफुली वो मुझे एक बेहतर इंसान और बेहतर क्रिकेटर भी बनाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लोग आपके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, शान मसूद क्या है, कौन है, क्या कुछ अगर शेयर करना चाहे, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, शेयर करना चाहे भाभी के हवाले से, नई पार्टनर नहीं, आई थिंक ज़्यादा डिटेल्स किसी दिन आपको बैठ के फुर्सत में देंगे, लेकिन पसंद की शादी है, अच्छी दोस्ती थी, और लगा कि भाई ये एक लाइफ पार्टनर है, और आई थिंक उसका काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी आया है मेरे कैरेक्टर में, मेरी तबीयत में, और मतलब एक्साइटिंग टाइम है, फैमिली को बहुत पसंद आई, एक्साइटिंग टाइम है, पेशावर बेस्ड है, मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं कि जब आप अपने मुल्क में, आप सिर्फ अपने में नहीं, अपने सर्कल में नहीं रहते, तो अपने सर्कल से बाहर निकल के, हमारी मुलाकात भी लाहौर में हुई थी, तो ये चीज़ें बड़ी आपको अच्छी होती हैं कि आपका जो सर्कल है वो लिमिटेड नहीं होता, आप हर लोगों को, हर बैकग्राउंड से, हर एरिया से आप जानते हैं, और आई थिंक बहुत एक्साइटिंग टाइम है जो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे हर मंजिल पे, हर नई लाइफ के ऊपर, क्रिकेट के अंदर भी और नई जिंदगी पे। थैंक यू।